गयान सफर जी, क्या हेलो। बोलना चाहोगे? हाँ हेलो। अच्छा कुछ महीने पहले एक वो आया था ना मीनारे पाकिस्तान में, एक लड़की का वीडियो 400 लोग छेड़ रहे हैं, तो हाँ उसका तो व्हाट्सएप पे एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वही लड़के थे, मतलब वो उसके सामने कपड़े उतार रही थी, ऐसा भी वीडियो आया। तो नहीं, कहीं वो आपको नहीं थी, लगता नहीं है कि ये फेक है वो नहीं थी, वो दूसरी कोई लड़की थी, वो लड़की वो? नहीं थी। अच्छा मतलब वकार जका बोल रहा था कि भाई ये फेक है, ये पहले से मिले हुए हैं, वकार जका से क्योंकि बोला कि वो अपनी गांड में सिलाई करवा ले, आजकल उसका कोई नहीं पूछ रहे है, बेकार बंदा है वो, कोई उसका नहीं, उसे वो क्रिप्टो अपनी गांड के अंदर घुसाओ, वहीं रहो तुम, कोई उसकी तस्वीर वो थी नहीं, वो दूसरी लड़की थी, डिफरेंट। अच्छा। और एक मतलब वकार जगह के शो में एक लड़की आती थी ना, जो पाकिस्तान के इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे भी बैठ गई थी, उसकी हर शेख रशीद के साथ हरीन भी शाह, मतलब हरीन सेक्स शाह, का हाँ वीडियो वायरल हुआ। हाँ आलीशा, सेक्स का वीडियो नहीं हाँ हलीम वायरल शाह। हुआ था उसका, सेक्स तो का वीडियो वायरल नहीं हुआ था, वो बात कर रही थी उससे, सेक्सुअल वीडियो नहीं था कोई, ये बना देते हैं इतना हवा, ऐसा कोई था नहीं, वो सिर्फ बात कर रही थी जी। मतलब पैसे ले रही थी, ये तो हुआ था ना, शेख रशीद पैसा दे रहा था। दे रहा होगा, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजों के लिए दे रहा होगा, तो उनका पर्सनल मैटर है, दे दिया होगा उसने तो। आपको क्या लगता है, शेख रशीद हो नहीं गए, पॉलिटिशियंस हो गए, प्रोस्टिट्यूट नहीं हायर करते क्या सबसे ज्यादा? नहीं कहां तो ये मेरा पॉइंट वो नहीं है। बेसिकली उसने, आलिशा ने एक मौलाना टीवी चैनल पर आई थी, तो एक मौलाना चैनल को खुद कॉल किया, खुद मतलब जाल में फंसाया। तो उसको ये लड़की मतलब कॉल कर रही थी, तो उसने पूछा कितने पैसे लोगे, तो उसने आलिशा ने बोला मैं 40-50 हज़ार लूंगी। फिर ठीक है, वो मौलाना आ गया, फिर मौलाना आ गया तो उसको थप्पड़ मारा तुम बेशरम हो करके, फिर उसको मीडिया में बदनाम कर दिया। तो ये हरीन तो शाह ने, उसमें नहीं गलत 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 स्टोरी अगेन आप बता रहे हो। हरीन शाह एक शो कर रही थी और उसने मौलाना जी को फोन किया, क्योंकि हमारे मौलवी साहब जो है ना फ्री में इंटरव्यूज ही देते हैं वो, क्योंकि अल्लाह मियां ने अच्छा। कहा नहीं मेरा नाम फैलाने के लिए ना बड़े रकम लिया करो, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जो हूँ इस वजह से आ रहा हूँ, व्हाटएवर, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 40,000 भी देती हूँ, और आपका टिकट वगैरह भी उसने खुद करवाया था, और वो वहां पर जब आया है तो उसने उसको चमाट लगाई, क्योंकि कौन थे वो, मुफ्ती कावी, जिनकी खुद की नंगी वीडियो अच्छा आ गई है मास्टरबेशन करते हुए, जिनकी एक खुद की वीडियो आई थी एक चाइनीज बंदी को जकड़ते हुए, उसके साथ रंगरलिया और डांस करते हुए और अल्कोहल पीते हुए, खुद ये लोग जो भी कर लें, वकार जगह से कहो ना कि उससे, उनसे बात करो ना, उनसे भी तो पूछो ना कि आपकी कैसा इस्लाम फैला रहे हैं मुफ्ती कावी जी। जी लेकिन उसको मना कर देना चाहिए था ना मौलाना को कि ये सब नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, डायरेक्ट मना कर देना चाहिए था ना। क्या मतलब है, वो लड़की मतलब वापस वो उस उसने पर... सोने के लिए थोड़ी आ रही थी, उसने उसको बुलाया इंटरव्यू के लिए। अच्छा आप अच्छा लोग देखें, एक मुझे आप ये बात बताइए, क्या कोई भी लड़की अगर मीडिया की हो और वो किसी भी मर्द के साथ होती हो, आप लोग क्यों फौरन ये समझ रहे थे कि वो उसके साथ सो रही है, पैसे ले रही है, व्हाई? पता नहीं, वो मौलाना ने उसने वो उस हलीम शाह ने ऐसे आरोप लगाए थे कि इसने मुझे पैसे बोला कि कितने पैसे, वो उसने फिर डील करी कि 50 हज़ार ऐसे, फिर उसको बुलाया, नहीं, फिर आपको थप्पड़ समझ मारा। में नहीं आई ना, पैसे हरीम शाह ने मौलाना को दिए थे शो पे आने के लिए, ये नहीं था कि अच्छा। वो उसको पैसे दे रहा था। और दूसरी बात, अगर मौलाना दे भी रहा था तो आप लोग मौलाना को क्यों नहीं पकड़ते हो, कि तुम लोग क्यों लड़कियां खरीदो फरोख्त कर रहे हो, लड़की को ही, नहीं अरे ये तो प्रोस्टिट्यूट इमोरल है, को इसमें ही, कुछ प्रोस्टिट्यूट द प्रॉब्लम इज कि प्रोस्टिट्यूट को ही बुरा क्यों माना जाता है, जो मर्द प्रोस्टिट्यूट के बुरा पास नहीं जा है, रहा होता है उसको क्यों नहीं कोई बोलता कुछ? नहीं प्रोस्टिट्यूट बुरा नहीं है, पर इसमें उसकी अगर वो दे रहा है पैसे, तो अगर प्रोस्टिट्यूट भी दे रहा है तो प्रोस्टिट्यूट भी उसको थप्पड़ थोड़ा मार सकती है। अगर उसको नहीं करना तो मना कर देने चाहिए कि मैं नहीं करूंगी, नहीं, बस प्रोस्टिट्यूट ये क्यों नहीं बात मार खत्म। सकती है थप्पड़, आप अगर बदतमीजी कर रहे हो और आप उसके साथ अगर जबरदस्ती करके उसको मार रहे हो, धाड़ रहे हो, तो प्रोस्टिट्यूट क्यों नहीं नहीं मार तब तो सकते मार थप्पड़? सकते हैं, पर तब तो मार सकते हैं, पर वो सिर्फ हाँ उसने ऐसा शायद कुछ किया नहीं था, ये वीडियो में मैंने देखा था जो उसका वायरल हुआ था। नहीं, वो वीडियो ही आपने, आपको गलत समझ में आया है, उसमें हरीम शाह ने मौलवी को पैसे दिए थे, अनलेस कि मौलवी साहब प्रोस्टिट्यूशन में पड़ गए, आप वो मेरे को नहीं अच्छा पता, वो अलग ही चीज है, अलग ही मैटर होगा, मगर हाँ नहीं वो अलग ही उसका वकार जका जो है ना, वो आधी चीजें दिखाता है, तुम लोगों को आधी चीजें नहीं दिखाता है। चले आगे बढ़ती हूँ मैं गयान जी, मेरे पास टाइम जरा थोड़ा लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी से, ठीक है, थैंक यू सो मच।